देवदार के पेड़ यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन जो यहाँ से प्योर निकाल रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि जो यहाँ से हवा या ऑक्सीजन निकल रही है वो जहरीली हो चुकी है। In a civilized place, they should be prosecuted and put in jail because they are literally murdering society. People living next to them, I mean, you know, we can get cancer in the next 7 years, 10 years. Look at the condition of the children. So please make a rule that the municipality office shifts here. And you see how the pollution stops. These people are sitting comfortably in Solan. They should have one main office here with the municipal commissioner next to the garbage dump. Then you see how this stops. इस वक्त हम सलोगड़ा में हैं और सलोगड़ा में बहुत ही अच्छी जगह पर हम इस वक्त बैठे हैं, बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है और देवदार के पेड़ यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन जो यहाँ से प्योर निकाल रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि जो यहाँ से हवा या ऑक्सीजन निकल रही है वो जहरीली हो चुकी है, पॉइजनस हो चुकी है। वो क्यों? डॉक्टर करण हमारे साथ में हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन तो हमेशा पेड़ों से आती है और देवदार के पेड़ हों और वहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे जी, यहाँ एक म्यूनसिपैलिटी का गार्बेज डंप है जिसमें ये कोई प्रोसेसिंग नहीं करते। वेट गार्बेज, ड्राई गार्बेज, प्लास्टिक, मेडिकल गार्बेज सब यहाँ डाली जा रही है। इनका क्लेम ये है कि प्रोसेसिंग कर रहे हैं और दे आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ यू नो वेस्ट मैनेजमेंट, बट उसमें कुछ नहीं हो रहा है। और अभी आपको यू कैन फील इट इवन नाउ, सी द स्मेल। एंड ऑन द वन हैंड वी आर यू नो पुटिंग ट्रीज फॉर यू नो फॉर द एनवायरनमेंट, वी ऑल नो देयर इज अ ग्लोबल वार्मिंग हैपनिंग एंड देयर इज पोल्यूशन, बट द गवर्नमेंट हैज नो कंसर्न अबाउट इट। I think the most important thing here is that this air that comes from the garbage is completely poisonous. We can't see it with the naked eye, but it has, you know, the most toxic germs, viruses, which is very, very harmful for us. And we've been, you know, trying to kind of fight this, but the municipality has just no consideration for the people that it's supposed to serve. Sir, हमें कई बार ऐसा भी पता चला है कि आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट भी की है, आप हाई कोर्ट तक गए हैं, आप NGT तक गए हैं और काफ़ी फाइन भी जो है नगर निगम को यहाँ पर लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम वैसा ही चल रहा है जैसे कि पहले था, तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना चाहिए? जी, हमारी एक तो एज आई वाज सेइंग कि हम इनके ऊपर जब भी करते हैं पीरियोडिकली हम चिट्ठियाँ लिख देते हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि NGT ने इनको ऑर्डर दिए हैं कि दे हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड सेंड दिस टू चंडीगढ़ फॉर प्रोसेसिंग, व्हिच दे आर नॉट डूइंग। दे आर जस्ट डंपिंग द होल थिंग, पुराने उसको उछाल रहे हैं, उसके साथ ही मिक्स करी जा रहे हैं और यू नो डंप कर रहे हैं ऑन द हिल साइड। सो वी आर थिंकिंग नाउ ऑफ गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट because the NGTs made their case, you know, we had the case with them and they fined them and they've told them to do it, but they're not following anything. So our only recourse now is to go to the Supreme Court. And ये जो इतनी स्मेल है, यहाँ तक कम से कम 1 किलोमीटर का ये दायरा होगा जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ तक आ रही है, ये क्या वजह है कि ये इतनी ज़्यादा आ रही है? क्योंकि जो डायरेक्शंस हुई थी इनको, ये हुआ था कि जो पुराना इन्होंने डंप किया हुआ है उसको उठाना है इन्होंने, और जो दूसरा यानी कि गार्बेज आ रहा है प्रोसेस करके डालना है और खाली ड्राई डालना है। हाँ, तो लेकिन अभी आपको लगता है कि यहाँ पर हो रहा है काम? बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, खाली सारा सामान आ रहा है अंदर, बाहर कुछ नहीं जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ उनके साथ जो रहते हैं वो दे कीप एन आई कि क्या हो रहा क्या है, इनके ट्रक्स आते रहते हैं, बाहर खाली जाते हैं सारे। पॉइंट ये है कि यू कैन फील इट, आई मीन यू कैन फील इट राइट नाउ, इट्स वेरी वेरी पॉइजनस। So they are not doing anything. They are not doing anything. In a civilized place, they should be prosecuted and put into jail because they are literally murdering society. People living next to them, I mean, we can get cancer in the next 7 years, 10 years. Look at the condition of the children. And all this leech is going into drinking water.
for the villagers. So I don't know who's going to solve it, but you know, I think it's good that you're giving us exposure. And you know, the politicians and the health ministers and the pollution control board need to seriously look at. I mean, you know, this is, and they're poisoning people. So I think. जो डॉक्टर करण है वो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम एक किलोमीटर दूर वहाँ से बैठे हैं जहाँ पर ये गार्बेज फेंका जा रहा है, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से या डायरेक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो इनको जो ये कूड़ा जो आ रहा है उसको सेग्रीगेट करके उसको यहाँ से रोज़ भेजना चाहिए था। और एक साइट है वो भी बताया गया है कि चंडीगढ़ ये भेजेंगे या हरियाणा भेजेंगे, लेकिन यहाँ से कह रहे हैं कि जो गाड़ियों की गाड़ियाँ कूड़े की आ तो रही है लेकिन यहाँ से खाली जा रही है, और भरकर कोई भी यहाँ से प्रोसेसिंग होकर कुछ भी यहाँ से नहीं निकल रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो स्मेल है, बदबू है, वो फैलती ही जा रही है। और आसपास के जो लोग हैं, हिमाचल में क्यों लोग बसते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनमोहक दृश्य होते हैं और अच्छी ऑक्सीजन होती है, पर लेकिन और यहाँ पर ये शायद जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये घर भी इसीलिए बनाया गया होगा क्योंकि टॉप हिल टॉप पर है और बहुत अच्छी लोकेशन है, और यहाँ पर इसलिए बसाया गया था कि अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक होगा, हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर इनका कहना यही है कि ये ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहर है, वो लेने को मजबूर हो चुके हैं। और ये मजबूरी की सबसे बड़ी वजह है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो आंखें बंद करके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें तो इस जहर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन है वो उन्हें मिल रही है। क्या कहेंगे करण? हाँ, मैंने ना एक सजेशन दिया था, इनफैक्ट इवन एट अ हाई कोर्ट लेवल आई वेंट एंड सेड एज इट सर यू प्लीज मेक अ रूल दैट द म्युनिसिपैलिटी ऑफिस शिफ्ट्स हियर and you see how the pollution stops. These people are sitting comfortably in Solan. They should have one main office here with the municipal commissioner next to the garbage dump. Then you see how this stops. But they don't give a, you know, they don't give a damn about the public. Second thing, they'll go and, you know, NGT will fine somebody. Where does the fine money come from? It is our money, it's the taxpayers' money, shifting from one department to the other. So that's also hogwash. So, you know, we are, I think we'll have to go somewhere down to the Supreme Court for this. और करण जी ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है, और इस सुझाव पर अगर अमल कर देंगे तो ये जो कूड़ा है और ये बदबू है ना, एक महीने के अंदर अंदर गायब हो सकती है। एक महीना तो मैं फिर भी ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद उससे भी जल्दी ये गायब हो जाएगी, क्योंकि अगर कमिश्नर या जो दूसरे आला अधिकारी हैं जो अपने एसी रूम्स में वहाँ पर बैठे होते हैं, वो अगर यहाँ पर आए और इस कूड़े के पास में बैठे, और तब उनको फील होगा कि आखिर बदबू क्या होती है, और जो पॉइजनस है वो जो ऑक्सीजन पॉइजन बनती जा रही है वो क्या होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसके ऊपर एनजीटी है उसको भी ध्यान देना चाहिए, और जो यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, शायद वो महीने या दो महीने या साल में यहाँ पर आते होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर कंडीशन देखनी चाहिए कि कम से कम एक दिन इसके आसपास रहकर ज़रूर देखें, और तभी है अगर वो यहाँ पर खुद आएंगे, खुद फील करेंगे, तभी वो इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई भी इस तरफ संज्ञान लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए जो लोग हैं आसपास के परेशान हैं, और ये भी दावा कर रहे हैं और ये भी मानने को तैयार है कि अगर इसी तरह से कंडीशन चलती रही तो ये कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और इसके ऊपर पूरी तरह से संज्ञान लेना बेहद आवश्यक है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन को या डीसी सोलन को? अपनी तनख्वाह को पाइए, सिंपल, आपको तनख्वाह मिलती है, आपका आपके वार्ड हैं, आपके लोग हैं, जब आप आईएएस की वो जिसकी भी जो भी नौकरी की जब आप ओथ लेते हैं तो उस ओथ में आप बोलते हैं कि जी हम लोगों की रक्षा करेंगे, यहाँ तो आप मर्डर कर रहे हैं लोगों का। बिल्कुल, जो डॉक्टर करण हैं यहाँ पर ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का मर्डर हो रहा है, सोसाइटी का मर्डर हो रहा है, और वो धीरे धीरे पॉइजन देकर हो रहा है, और पॉइजन कहाँ से आ रहा है, वो इसी जहाँ पर डंपिंग साइट है वहीं से आ रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं कब जागते हैं, और कब यहाँ के लोगों की सुध लेते हैं, और कब यहाँ पर स्वच्छ वातावरण है वो यहाँ पर होगा, जिसका इंतज़ार हमें भी रहेगा और यहाँ के आने वाले लोगों को भी रहेगा, और यहाँ जो रहते लोग हैं उनको भी रहेगा। अब देखना यही है कि कितनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति कौशल।